नमस्कार दोस्तों, आज धेय आईएएस की तरफ से हम आपके लिए एक बहुत ही दिलचस्प साइंटिफिक डिस्कवरी के बारे में जानकारी लेकर आए हैं। ये डिस्कवरी न सिर्फ साइंस और टेक्नोलॉजी की फील्ड में इम्पॉर्टेंट है, बल्कि वर्ल्ड हिस्ट्री और जियोग्राफी पर्सपेक्टिव से भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। वैज्ञानिकों ने हाल ही में एक नए डायनासोर स्पीसीज की खोज की है, जिसका नाम रखा गया है अल्पकारा कुश किर्गिजिकस। ये नाम इसलिए खास है क्योंकि ये किर्गिस्तान से जुड़ा हुआ है, जो कि सेंट्रल एशिया में स्थित है। अब आप सोच रहे होंगे कि ये अल्पकारा कुश किर्गिजिकस आखिर था क्या, तो चलिए इसके बारे में विस्तार से जानते हैं। ये एक विशाल थेरापॉड डायनासोर था जो लगभग 165 मिलियन वर्ष पहले मिडल जुरासिक काल में इस धरती पर विचरण करता था। इसका आकार लगभग 7 से 8 मीटर तक था, जो कि एक दो मंजिला इमारत के बराबर है। इसके खोपड़ी में एक विशेष विशेषता थी, एक उभरी हुई आईब्रो जो संभवतः एक सींग की तरह दिखती थी। ये मैट्रिया कैंथोसॉराइडे नाम के डायनासोर समूह का हिस्सा था, जिनका मुख्य लक्षण था उनकी ऊंची मेहराबदार खोपड़ी और पतले पिछले पैर। ये अब तक का पहला बड़ा जुरासिक युगीन शिकारी है, जो सेंट्रल यूरोप और ईस्ट एशिया के बीच के क्षेत्र में पाया गया है। इस खोज का महत्व कई कारणों से है। ये हमें मिडिल जुरासिक काल के बारे में नई जानकारी देती है। इससे हम सेंट्रल एशिया के पुरातात्विक पारिस्थितिकी तंत्र के बारे में अधिक जान पाते हैं। ये थेरोपोड डायनासोर्स के विकास और विस्तार पर नया प्रकाश डालती है। याद रखिए, थेरोपोड डायनासोर वो समूह है जिसमें टायरानोसोरस और एलोसोरस जैसे प्रसिद्ध शिकारी डायनासोर आते हैं, और यही समूह आज के पक्षियों का पूर्वज भी है। तो दोस्तों, जब भी आप यूपीएससी की तैयारी करते समय वर्ल्ड मैप पर किर्गिस्तान को देखिए, तो याद रखिए कि कई मिलियन वर्ष पहले वहाँ एक अद्भुत जीव अल्पकारा कुश किर्गिजिकस विचरण करता था। ये डिस्कवरी हमें याद दिलाती है कि इतिहास सिर्फ मानव सभ्यता तक ही सीमित नहीं है, बल्कि उससे कहीं पहले से शुरू होती है। उम्मीद है कि ये जानकारी आपके लिए उपयोगी रही होगी। धेय आईएएस के साथ बने रहिए, ताकि आप दुनिया के हर महत्वपूर्ण खोज से अवगत रह सकें। और अब अंत में आपके लिए एक सवाल है, जिसे आप वीडियो पॉज करके आराम से पढ़िए और अपना जवाब आप हमें कमेंट करके बताइएगा। तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि ऐसे ही और भी इन्फॉर्मेटिव वीडियो आप तक पहुंचती रहे। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए और खुश रहिए। धन्यवाद।